यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी सोनीपत के खरखोदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया और अलग पार्टी बनाने की बात फिर से दोहराई। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी एक जाति विशेष से सीएम रहे, उन्होंने भाईचारे और समान विकास के नाम पर राजनीति की है और 52% लोगों का हिस्सा सिर्फ 10% लोगों को दिया गया है। और वहीं अपने कार्यक्रमों में होते विरोध को लेकर सैनी ने कहा कि मेरा विरोध करवाने के पीछे भूपेंद्र हुड्डा और चौटाला का हाथ है कि कहीं मैं उनकी पोल ना खोल दूं। तो सोनीपत पहुंचे थे राजकुमार सैनी और यहां पर एक बार फिर से चुनावी तैयारियों में जुटे होने के साथ साथ अपने विरोधियों को आड़े हाथ लेना वो नहीं भूले और पत्रकारों ने तमाम सवाल उनसे किए। उनके जवाब में उन्होंने जुबानी हमला किया है एक जाति विशेष के मुख्यमंत्रियों पर। इससे पहले भी इस तरह की बातें करते वो कई कार्यक्रमों में नजर आए थे और भूपेंद्र हुड्डा और चौटाला परिवार को भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया। लोगों को सिर्फ 10% और अपने 10% लोगों को 52 और 50-55% ये सबका सम्मान होया पड़े। जो लोग भाषण 36 बरादरी पे दें, भाईचारा और चारा बना के लोगों को निकल जाएं, वो करेंगे सम्मान। मैंने कहा 100% आरक्षण करूंगा, सबको सभी के हक सुनिश्चित करूंगा, कोई भी नेता दूसरे के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा।